हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और ज़ाइलेज़ीन ये वो ड्रग है जिसका जिक्र आज हर अखबार, हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टॉप स्टोरीज में हो रहा है, और वजह आप ऑलरेडी जानते हो। द डेंजरस स्ट्रीट ड्रग कंपोनेंट इज ऑफिशियली कॉल्ड ज़ाइलेज़ीन। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल ट्रैंक्विलाइजर हियर, ज़ाइलेज़ीन। फर्दर पॉइजनिंग द ड्रग सप्लाई हियर इज ज़ाइलेज़ीन। ग्रिप्स ऑफ अमेरिकाज़ लेटेस्ट ड्रग इमरजेंसी। 90% ऑफ स्ट्रीट ड्रग्स कंटेन दिस ज़ॉम्बी ड्रग। ये ड्रग लोगों को धीरे-धीरे ज़ॉम्बीज में बदल रहा है, और वो भी टू द पॉइंट किसे लेने वाले की चमड़ी तक सड़ने लग रही है। बट यू नो, गेस व्हाट, आई बेट आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ड्रग असल में कंपनी ने दवाई के तौर पर बनाया था, और उसके बाद ऑब्वियसली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कंपनी ने इसे चुपके से मार्केट में उतारा, और आज ये एक सस्ता नशा बन चुका है। सो बात साल 1962 की है, जब बेयर इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने सबसे पहले ज़ाइलेज़ीन नाम के ड्रग को पेन रिलीफ और सेडेशन या सिंपली बेहोश करने की दवाई के रूप में मार्केट में उतारा था। लेकिन जब इस ड्रग को इंसानों पर इस्तेमाल किया गया, तब ये बात सामने कि ये पेन रिलीफ करने के साथ साथ ये ड्रग इंसानों के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कम कर देता है। और इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए मेडिकल फील्ड में कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है, और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान, क्योंकि ज़ाइलेज़ीन एक ऐसा सेडेटिव और एडिक्टिव ड्रग है जिसे कोई भी स्टैंडर्ड ओवरडोज ट्रीटमेंट जैसे कि नेलोक्सोन, जो कि अक्सर नशीले पदार्थों के असर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी कोई असर ज़ाइलेज़ीन ड्रग एडिक्ट्स पर नहीं पड़ता। और ये बात जैसे ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची, उन्होंने तभी ही इस पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन FDA के इस रोक ने बायर का हौसला नहीं तोड़ा। उसने अपने इस ड्रग को फिर से एक बार मार्केट में उतारा, और इस बार एक इंटरेस्टिंग तरकीब के साथ। उसने ज़ाइलेज़ीन को एक एनिमल सेडेटिव के रूप में बेचना शुरू कर दिया बाय द नेम रोम्पेंट। लेकिन ये बस नाम के लिए एक एनिमल सेडेटिव था, असल में इसे जानवरों पर कम और इंसानों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। सो ऐसे ही होता है मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यूजुअली जानवरों के नाम से ही बेचे जाते हैं, बट अक्सर उसे इंसान भी यूज करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस। सो ज़ाइलेज़ीन के केस में ना, दरअसल हुआ ये कि उस वक्त सभी डॉक्टर्स को ज़ाइलेज़ीन के असर के बारे में पूरी तरीके से मालूम था। उन्हें पता था इसके इनटेक से मसल्स रिलैक्स होते हैं और बॉडी शांत हो जाता है, और इसीलिए उन्हें यह पता था कि ये ड्रग आगे जाके कमर्शियल हिट होगा, और इसीलिए उन्होंने लोगों को इलीगली बेचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डेनवर में एक जानवरों के डॉक्टर ग्रेग कॉलिंस को US ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ड्रग का नशा खुद भी करते हुए और दूसरों को भी बेचते हुए इलीगली रंगे हाथों पकड़ा, जिसके चलते उन्हें पूरे $226,000 का जुर्माना भरना पड़ा और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। पर वो बात है ना कि किसी को अगर आप वहां पर मत देख बोलोगे तो सबसे पहले वो इंसान वहीं पर दिखेगा। बस ऐसा ही कुछ हाल यहां पर भी हुआ। जैसे इस पर्टिकुलर डॉक्टर की खबर दुनिया के कोने कोने में फैल गई, इस केमिकल का इस्तेमाल कम होने के जगह पे उल्टा और भी बढ़ गया। और साल 1966 से लेकर 2014 तक, जहां पर ज़ाइलेज़ीन ओवरडोज के सिर्फ 43 केसेस थे, वहीं वो आंकड़ा 20,000 के पार जाने लग गया। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, करंटली सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है कि आज US के खुले सड़कों पर ज़ाइलेज़ीन के ड्रग एडिक्ट्स बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन सड़क के बीच कोई ना कोई इंसान कंप्यूटर की तरह हैंग हो जाता है, और अमेरिकन्स की पूरी तरीके से फट चुकी है। उन्हें इस बात की टेंशन है कि उनका यूथ कहीं पर खत्म ना हो जाए। बिकॉज़ यू सी, अगर डेविड ऑफ कूल वाटर जैसी एक प्रीमियम परफ्यूम का एक सस्ता मगर ज्यादा इफेक्टिव अल्टरनेटिव मार्केट में मिल रहा होगा, तो कोई भी आम इंसान उस पर फटाफट शिफ्ट क्यों नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आज 1 ग्राम कोक और 1.3 ग्राम बीस करीब $200 में मिलता है, लेकिन वहीं पर इतने डॉलर्स में कोई इंसान आराम से 4,000 ग्राम ज़ाइलेज़ीन खरीद लेगा, बाकी ड्रग्स के मुकाबले 4,000 टाइम्स ज्यादा। प्लस इस ड्रग के अगर असर की बात करें तो बस 40 mg इसका लिटरली इंसान को एक काफी अच्छा हाई देने के लिए, और अगर उसे ऊपर से फेंटेनिल नाम के एक दूसरे सस्ते केमिकल के साथ लिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन और भी डेडली बन जाता है और भी फास्ट एक्ट करने लगता है, लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours। अब ऐसे में होना क्या था? जैसे ये न्यूज ड्रग एडिक्ट्स तक पहुंची, सभी के सभी ड्रग एडिक्ट्स ज़ाइलेज़ीन पर शिफ्ट होने लग गए, और ज़ाइलेज़ीन ने बाकी माल को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। और आज के तारीख में यही ज़ाइलेज़ीन और फेंटेनिल का मिक्सचर ट्रैंक डोप के नाम से US की गलियों में बिक रहा है। एक 90 लोगों के सर्वे में यह भी सामने आया कि इन ड्रग एडिक्ट्स को अपने हाथ पैर तक काटने पड़ रहे हैं, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि ऐसा किसी भी केमिकल या चीज के एडिक्शन में नहीं देखा गया। व्हाट्स वर्स, ज़ाइलेज़ीन यूजुअली सीधा हमारे ब्रेन के डोपामिन रिलीज वाले सिस्टम पर अटैक करता है, जिसे हम अपनी अलर्ट
अलर्टनेस खो देते हैं और हमें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। वंस यू आर इन, देयर इज नो कमिंग बैक अनलेस आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो बैठे बैठे आपके ब्रेन को फिर से स्टिम्युलेट करने लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, ये किया जा सकता है बाई प्लेइंग वीडियो गेम्स लाइक वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। इस गेम के सुपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स इतने हाई एंड है कि ऐसा लगता है मानो इसके 3D बैटल जोन का खुद आप एक हिस्सा हो। यहाँ पर मिसाइल्स हो या टैंक्स, उनका पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में होता है। प्लस अगर वॉर ऑफ टैंक्स की हम बात करें तो इस गेम में अलग अलग मोड्स, अलग अलग मिशंस और अलग अलग तरीके के टैंक्स है और साथ ही इनके अपग्रेड्स, ये सारी चीजें आपको एक ग्रेट गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इस गेम के रेगुलर अपडेट्स भी आते हैं जैसे इन गेम इवेंट्स और मैप्स। इसके अलावा आप सभी मुझे और मेरी टीम को भी इन बैटल्स में ज्वाइन कर सकते हो, फिर भले ही आपके पास इसका पीसी वर्जन हो या मोबाइल वर्जन या फिर कॉन्सोल पर। सो रुके क्या हो, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करो और कूपन कोड टैंक मेनिया यूज करो और गेम खेलने के साथ साथ ढेर सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स पाओ लाइक प्रीमियम टैंक एक्सेलश्योर, 3 रेंटल प्रीमियम टैंक्स, 250,000 क्रेडिट्स और 7 डेज का प्रीमियम अकाउंट टाइम एंड अ लॉट मोर। सो अभी डाउनलोड करो वॉर ऑफ टैंक्स एंड स्टार्ट ब्लास्टिंग विद योर टैंक। अब वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। तो हुआ यू कि जब सर्वे हुआ था तब उस सर्वे में टैटू आर्टिस्ट थी ब्रुक पेडर नाम की। उसे ज़ाइलेज़ीन के ओवरडोज की वजह से अपने एक पैर को काटना पड़ा था। हर रोज ज़ाइलेज़ीन लेने की वजह से उसकी पैर की चमड़ी सड़ने लग गई थी और ये घाव वक्त के साथ साथ इस हद तक बढ़ गया था कि उसने ब्रुक के एक पैर की हड्डी में एक बड़ा सा छेद कर दिया था। इसकी वजह से वो इन्फेक्शन दूसरी जगह पे ना फैले इसलिए उसके पैर को काटना पड़ गया और ब्रुक ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ज़ाइलेज़ीन के ओवरडोज के चलते उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया था। इनफैक्ट उसने ये तक कह दिया कि ज़ाइलेज़ीन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन at its finest. But then, इतना सब होने के बावजूद भी ब्रुक रुकी नहीं, बल्कि ज़ाइलेज़ीन की उसकी लत बढ़ती ही चली गई। पैर और परिवार दोनों गवाने के बाद भी वो रोज ज़ाइलेज़ीन लेने के लिए आज भी हफ्ते में एक बार सिरिंज एक्सचेंज सेंटर में यूज सिरिंजेस के बदले नए सिरिंजेस लेने जाती है और शायद ऐसा ही अगर चलता रहा तो अभी उसका हाथ भी काटना पड़ सकता है क्योंकि पैर के ही तरह अब उसकी हाथ की चमड़ी भी सड़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा खतरनाक घाव किसी दूसरे जगह पर ना हो और इसीलिए वो सिर्फ अपने इस हाथ के घाव में ही सुई चुभाकर ट्रैक डोप लेती है। मतलब अगर देखा जाए ना तो ज़ाइलेज़ीन लोगों के दिमाग पर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो इस ड्रग को लेने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं, इवन दो उनकी लाइफ, उनका शरीर और उनका दिमाग डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझने के लिए ना पहले हमें अपने न्यूरॉन्स के बेसिक फंक्शनिंग को समझना होगा। देखो फंक्शनिंग काफी सिंपल है। ये है ब्रेन में मौजूद एक न्यूरॉन पेयर। नॉर्मली होता क्या है, सेंडर न्यूरॉन्स यानी प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन्स दो कैटेकोलामाइंस बनाते हैं, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो हमें अलर्ट रखने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल में रखता है। यूजुअली जब ये दो केमिकल्स रिलीज होते हैं तब रिसीवर न्यूरॉन यानी पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन पर लगे हुए अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्हें रिसीव करते हैं और सिग्नल्स को बॉडी में सेंड करते हैं। लेकिन कभी कभी इन केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पर लगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्हें रिसीव नहीं कर पाते और ये मॉलिक्यूल्स सिनैप्स में जमा होने लगते हैं। नतीजा ये जमा हुए मॉलिक्यूल्स प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन्स के खुद के अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने लगते हैं जिससे न्यूरॉन को एक नेगेटिव फीडबैक या सिंपली इन केमिकल्स का प्रोडक्शन रोकने का सिग्नल मिलता है। अब ऐसे में जब कोई इंसान ज़ाइलेज़ीन लेता है तब ज़ाइलेज़ीन के मॉलिक्यूल सीधा प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन्स के अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर अटैक करते हैं और उसे स्टिम्युलेट करते हैं। इससे उस प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन को लगता है कि इन कैटेकोलामाइंस का हद से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और वो इनका प्रोडक्शन रोक देते हैं। यानी अब क्योंकि इन केमिकल्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता उनसे रिलेटेड हर एक्टिविटी भी ठप पड़ जाती है एंड इनफैक्ट यही वजह है कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वो अलर्ट नहीं रहते, वो हैंग से हो जाते हैं, उनमें अपने आसपास चल रही चीज को समझने की क्षमता भी तक नहीं बचती और प्लस वो ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करने लगते हैं। What's worse, ये सब इन लोगों के साथ ज़ाइलेज़ीन नहीं बल्कि उससे ज्यादा डोपामीन करने लगता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मोटिवेशन क्रिएट करता है। एंड यस दिस इज एक्चुअली ट्रू। दरअसल हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया करके जो बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है और जब डोपामीन रिलीज होता है तो वो बेसिकली इसी पार्ट को स्टिम्युलेट करता है। बट देन क्योंकि ज़ाइलेज़ीन की वजह से डोपामीन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, बेसल गैंग्लिया भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए ज़ाइलेज़ीन लेने वाले लोग चलते चलते
बीच में ही अटक जाते हैं, लीडिंग टू बिगर डिजास्टर्स लाइक स्किन का सड़ना शुरू हो जाना। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा पर ज़ाइलेज़ीन जब डोपामाइन प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है तब उसी के साथ एज अ साइड इफेक्ट हमारे शरीर में नॉन एपिनेफ्रिन की मात्रा भी घटने लगती है। अब नॉन एपिनेफ्रिन का यूजुअली काम होता है हमारे ब्लड वेसल्स को जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कराना, बट ज़ाइलेज़ीन की वजह से जैसे ही नॉन एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन रुक जाता है ब्लड वेसल्स में इसका एक डिजास्ट्रस इफेक्ट दिखाई देने लगता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। इस इफेक्ट के तहत सभी ब्लड वेसल सिकुड़ने लगते हैं और उनमें से बहते हुए ब्लड का फ्लो थमने लगता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? सिंपल भाषा में कहूं तो ब्लड स्किन के टिश्यूज तक पहुंचता ही नहीं, टिश्यूज ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डैमेज होने लगते हैं और लास्टली इस सब के चलते उसमें गहरे गहरे घाव बनना शुरू हो जाते हैं जिसे हम साइंटिफिकली स्किन परफ्यूजन कहते हैं। यानी बेसिकली जो हमने ब्रुक पेडर के केस में देखा था इसी चीज का नतीजा है। एंड नो वंडर अमेरिका और बाकी सारे देश डरे हुए हैं दैट ये ड्रग कहीं उनके देशों में सड़कों पर घूमते ज़ॉम्बीज़ ना पैदा करे। खैर फ्यूचर में जो भी हो वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जहां पर ज़ाइलेज़ीन ब्रेन के केमिकल्स को इफेक्ट करके लोगों को अजीब बर्ताव करने में मजबूर करता है, उसी तरीके से रिसेंटली साइंटिस्टों ने एक ऐसा एलियन फंगस डिस्कवर किया है जो हमारे ब्रेन के सेल्स को रिप्लेस तक कर सकता है। अगर आप इस फंगस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि आगे अगर एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन क्रिएट होगा तो उसमें ये फंगस को शायद यूज किया जाएगा, ये एलियन फंगस को, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है जिसको आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।